अभी हम यहाँ पे पिज्जा टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे यहाँ के पिज्जा का टेस्ट कैसा है। सो फाइनली गाइस, मेरा जो पिज्जा है रेडी हो चुका है, माय पिज्जा इज रेडी। ये हो गया एक प्लेट आपका। सो फाइनली मैंने यहाँ पे पानी पूरी टेस्ट किया। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जे के मथुरिया ब्लॉग पे। दोस्तों अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, आप देख पा रहे होंगे मैंने वही पुराना वाला टी शर्ट पहना है, लेकिन बैग नया वाला लगाया है जो कि आप देख पा रहे होंगे, दिस इज़ माई न्यू बैग। तो अभी जो मैं तैयार होकर अभी मैं जा रहा हूँ दीव। अभी मैं आया हूँ दीव, दीव दमन आपने नाम तो सुना होगा। तो दीव में आया हूँ मैं वन डे के लिए, वन डे बोले वन डे टू डेज, मतलब एक या दो दिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुकने वाला हूँ, खुद को रिलैक्स करने वाला हूँ। अभी दिन के बज चुके हैं, मैं आपको राइट टाइम बता देता हूँ एक बार, 1:50 मतलब 2:15 बज चुके हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से दरिया किनारे समुंदर के तट पे, और वहाँ पे बैठूँगा, अपने आप को रिलाइज करूँगा, एकदम मतलब रिलैक्स होना चाहता हूँ, मतलब एकदम शांति मुझे। और मैं यहाँ का एक सुनसान बीच है, नागवा बीच बोलते हैं जिसे, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। वहाँ पर एकदम सुनसान, चारों तरफ कोई पब्लिक नहीं, मतलब एकदम शांति से 2-3 घंटे एकदम मन को जो है, आत्मा को जो है, मैं रिलैक्स देना चाहता हूँ। तो मैं वहाँ पर जाके रिलैक्स हो रहा हूँ, तो मौका मिला तो वो भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं फाइनली, तो चलिए चलते हैं, पहले कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वास्ता, चाय नाश्ता हो जाए, उसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यू। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल जे के मथुरिया ब्लॉग को अब भी कभी जो रेड वाला बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक तो लास्ट में कर देना वीडियो पूरा देख के, और कमेंट भी अपने अपने हिसाब से कर लेना कौन सा पार्ट आपको बेटर लगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ से जो है चाबी मैंने निकाल ली है, और लाइट चाबी मैंने फाइनली निकाल लिया है, और मैंने मास्क भी पहन लिया है, क्योंकि मैंने सुना है सुबह में जब मैं नीचे गया था होटल से, तो यहाँ पे जो है चेकिंग खतरनाक चल रहा है। पहले तो मुझे होटल में रूम भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि बोले वैक्सीन नहीं लगाई, और मैंने वैक्सीन का एक डोज भी नहीं लिया है। और चलो वैक्सीन का तो मैंने मैनेज कर लिया था, क्योंकि मीडिया पर्सन हूँ तो हिसाब से, बट यू नो आई थिंक कि मास्क यार यहाँ पे खतरनाक चेकिंग चल रही है। तो आप लोग अभी इस सिचुएशन में अगर दीव आते हैं तो ये जो मास्क है पहन के रखे, वरना 200 रुपये का फाइन है यहाँ पे। ये है गैलरी व्यू, होटल के मैंने लॉक दे दिया है, चाबी ले ली है, और ये गैलरी से मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ। काफ़ी अच्छा होटल है, साफ़ सुथरा है काफ़ी, इसका व्यूज़ आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए सामने से कुछ इस तरह का व्यू है, सामने समुंदर है, वो देखिए वो जो है दरिया है, दिस इज फॉर समुद्र सी। और यहाँ पे कुछ कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य कुछ बन रहे हैं, सामने एक मस्जिद है, और इधर काफ़ी सारे मकान हैं, इस तरह के मकान होते हैं, वो आपको आगे वीडियो में बहुत सारे कुछ देखने को मिलेगा दीव वाले ब्लॉग में। और ये जो है होटल का रिसेप्शन एरिया है, और होटल को बने ओनली फॉर अभी 6 मंथ हुए, ओनली 6 महीने पहले का ही होटल है। यहाँ पे सोफा सेट लगा हुआ है रिसेप्शन में, आप यहाँ पे बैठ सकते हो। ये मार्बल टचिंग किया हुआ है यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। और चलो फिर अभी हम चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा घूम लेते हैं यहाँ पे दीव के अंदर। ये रिसेप्शन में भैया है, इन्होंने जस्ट हमारा चैनल जे के मथुरिया ब्लॉग यहाँ पे सर्च किया है, थोड़ा सा वाईफाई का नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो गया, उस वजह से नहीं, भैया बोले बाद में देखेंगे, आपको कनेक्टिविटी आ जाए तो सर आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो चलिए अभी हम थोड़ा दीव में घूम के आते हैं, तो उसके बाद फिर मौका मिला तो मैं इस होटल का वीडियो भी लूँगा, और आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगा होटल के बारे में। आप लोग दीव आए तो होटल इससे साफ सुथरी अच्छी होटल आपको दीव में, मेरा ये मानना नहीं मिले, क्योंकि होटल अभी नवी नवी है, 6 महीने हुए बरबर रिसेंटली 6 महीने। तो दोस्तों अभी मैंने जस्ट उदयपुर के एक होटल का वीडियो डाला था जिसको 2 महीने हुए थे, और इस होटल को 6 महीने हुए थे, आगे पता नहीं दुबई में कितनी नवी होटल मिलती है। प्रेसिडेंस जो की बोर्ड लगा हुआ है आपने देखा, होटल प्रेसिडेंस में मैं रुका हुआ था, और अभी यहाँ से होटल से जस्ट बाहर आ चुका हूँ, और काफ़ी शांति है यहाँ पे, स्पिरिचुअल इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट फिर भी यार थोड़ा बहुत जैसे कि है, पढ़े लिखे हमारे यहाँ जॉब करते हैं वाले ऐसा समझ लीजिए ना। तो ये यहाँ के मकान है जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, कुछ इस तरह के मकान होते हैं यहाँ पे। और मैंने हेलमेट आधा ही पहना है, हेलमेट नहीं क्या बोलते इसको, मास्क मैंने आधा ही पहना, क्योंकि थोड़ा सांस लेने के लिए जगह भी चाहिए ना यार। तो सामने कुछ टॉयज की शॉप है वगैरह, लोकेशन आर वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ का। सामने समुद्र का किनारा है, और इस तरफ 2 शॉप है जो कि बैग एंड गिफ्ट की शॉप है, और सामने जो है समुद्र का किनारा है, और हम बैठेंगे अभी समुंदर के किनारे पे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे की और कुछ खाना वाना खाएंगे, और फिर थोड़ा घूमने के लिए। देखिए ऊपर नीला आसमान है, और इधर चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है, और कुछ राइड्स वगैरह का मौका मिला तो हम समुंदर की राइड्स भी करेंगे बीच में।
समुद्र राइड्स का आनंद लेंगे और समुद्र के बीच में मस्ती करेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे खुद को यार। स्पिरिचुअल्स वो सामने चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, काफ़ी शांत जगह है एकदम। मतलब सो फाइनली अभी मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगा अमेरिकन पिज्ज़ा जो कि भैया यहाँ पे बनेंगे फास्ट फूड वाले हैं, जो कि बीच के जस्ट सामने पड़ेंगे जो यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। मैंने पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया है अमेरिकन स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा। यहाँ का गोलगप्पा कैसा टेस्ट करें मेरा पानीपुरी। सो अभी मैं यहाँ पे गोलगप्पा टेस्ट करने वाला हूँ, कैसा है यहाँ का टेस्ट। मैं यहाँ का गोलगप्पा टेस्ट करूँगा कैसा है यहाँ का टेस्ट। कौन सा पानी है ये? मीठा ठीक है। दिस 1.7 थोड़ा सा तीखा है, थोड़ा सा तीखा, ज़्यादा तीखा नहीं है। पानी तो डाल, ये पानी नहीं डाल रहे, पानी में कंजूसी कर रहे यार। तो आता कोई पानी नहीं है। आपने अगर अनुपमा देखा हो तो अनुज जी अनुपमा के लिए जो करते हैं वो यहाँ नहीं कर रहे हैं। पैसे दे रहा हूँ फिर भी वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। पिज्ज़ा लगा दिया क्या? क्या पिज्ज़ा में मुझे टेस्ट मिलेगा? टेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं तो कैंसिल कर दीजिए, मैं आके खा लूँगा। बट यू नो आई थिंक कि मुझे ऐसा टेस्ट पिज्ज़ा में बिल्कुल नहीं चाहिए। टेस्ट आए तो गाना गाऊंगा, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, काफ़ी सारे लोग देखेंगे। दुकान फेवरेट आपकी दुकान का इमेज, आपकी दुकान फेवरेट हो जाएगा। मीठा मीठा चलो, हम लोग अहमदाबाद से बिलोंग करता है। चलो निकालो पहले अच्छा था मीठा। आप लोग कहाँ से आए? वेड़ावर। वेड़ावर गिर से। वेड़ावर गुजरात से। हाँ। आपने यहाँ पे क्या टेस्ट किया? पानी पूरी। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। सच बोलने का सच सच सच। मैडम ने बोला कि अच्छा नहीं लगा, अब मैं झूठ तारीफ कैसे करूँ। चलो ये हो गया एक प्लेट। सो फाइनली मैंने यहाँ पे पानी पूरी टेस्ट किया, ठीक ठीक है, अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, बट यू नो आई थिंक वी आई होप यू कि मीडियम है, अच्छा है। आप लोग आइएगा यहाँ पे टेस्ट कीजिएगा। अभी मेरा पिज्ज़ा तैयार हो रहा है, मैं पिज्ज़ा टेस्ट। सो फाइनली मैंने जो यहाँ पे पिज्ज़ा का ऑर्डर किया है तो भैया यहाँ पे पिज्ज़ा बना रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभी चीज़ को यहाँ पे घिस रहे हैं और यहाँ पे पॉपकॉर्न लग चुके हैं ऑलरेडी। साइज आप देख रहे हो पिज्ज़ा का मीडियम साइज है पिज्ज़ा, मोटा साइज है और मोटा साइज हमारे गुजराती में मोटा साइज बोलते हैं, इंग्लिश में मीडियम, बट यू नो आई थिंक हमारे गुजराती में मोटा बोलते हैं। तो पिज्ज़ा यहाँ पे भैया बना रहे हैं और मैंने इनको चैलेंज दिया है कि पिज्ज़ा अच्छा होगा तो ही पैसा मिलेगा, नहीं तो एक रुपया नहीं मिलेगा। अब भैया अपनी कारीगरी दिखाएंगे। तो यहाँ पे चीज़ ऑलरेडी घिस कर रहे हैं भैया, चीज के बाद में अभी क्या डालने वाले भैया? अभी ये क्या डाल रहे भैया? ऑर्गन है। ऑर्गन्स बिल्कुल, ऑर्गन थोड़ा और हैवी डाल दीजिए, स्पाइसी रहना चाहिए। हम लोग क्या मारवाड़ी है, फ्रॉम राजस्थान जयपुर। अरे मैं भी उधर का ही हूँ सर। आप किधर के? अरे राजस्थान जयपुर। राजस्थान कहाँ से? एक कंडवाड़ा है वो। कंडवाड़ा बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने राजस्थान में कैसा खाते पता है ना? मस्ती का बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसा बनेगा, बहुत तीखा कर दिया बराबर। हाँ स्पाइसी, अपने मारवाड़ी लोग पता है ना कैसे खाते हैं। तो फाइनली अभी हमारा जो पिज्जा है ग्रिल होने के लिए जा रहा है यहाँ पे ओवन के अंदर, ओवन में जा चुका है जी। पार्सल नहीं, यहीं पे खाना है। तो भैया बोले पार्सल करो, मैंने कहा नहीं पार्सल नहीं करना, यहीं पे खाना है। तो फाइनली हमारा जो पिज्जा है वो ओवन के अंदर जा चुका है, अभी वहाँ पे ग्रिल होगा और भले 5 मिनट ज़्यादा लगेगा क्योंकि सामने समुंदर का किनारा है, गर्मा गर्म खाने का जी मज़ा अलग ही है भैया। तो फाइनली अभी हम यहाँ पे पिज्ज़ा टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे यहाँ के पिज्ज़ा का टेस्ट। सो फाइनली गाइस मेरा जो पिज्ज़ा है रेडी हो चुका है, माय पिज्ज़ा इज़ रेडी। तो मैं यहाँ पे पिज्ज़ा टेस्ट करने वाला हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं डालूँगा यहाँ पे माल मसाला जो कि क्या बोलते हैं, खोलिए इसको खोलिए, तो चिलीज वगैरह जो है थोड़ा और स्पाइसी करेंगे। हम लोग मारवाड़ी है, खाने में तीखा खाते हैं। सो अमेरिकन स्वीट कॉर्न पिज्ज़ा है दिस इज़, और थोड़ा सा इसके ऊपर हम लगेंगे अभी सॉस
तो चलिए अभी हम इस पिज्जा को टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको बताते कैसा है पिज्जा। फाइनली मैंने यहाँ का पिज्जा टेस्ट किया, मुझे काफी अच्छा लगा, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। काफी सारे लोग आए, उनसे जानते हैं कैसा है यहाँ का टेस्ट। क्यों चाहिए टेस्ट, क्यों चाहिए यहाँ का टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है, रियल में अच्छा है। अच्छा आपने क्या खाया अभी यहाँ पे? पानी पूरी। अच्छा आपने क्या खाया? पानी पूरी। कैसा है यहाँ का टेस्ट? अच्छा है। आपने क्या खाया? पानी पूरी। कैसा है टेस्ट यहाँ का? आपने क्या खाया? अच्छा। रियल में अच्छा है? हाँ। तो भैया इतना अच्छा कैसे बना लेते हो? अच्छा ये पता नहीं बोला। सो वीडियो बट यू नो आई थिंक कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा पिज्जा का टेस्ट। मैंने सोचा यहाँ के जो क्लाइंट वगैरह आए हुए थे उनका भी रिव्यूज लिया जाए, क्योंकि मैं अगर अकेला बोलूँ और जो क्लाइंट्स लोग जो रियल में खाने के लिए आए वो बोले उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो उन्होंने बोला काफ़ी अच्छा था। बट यू नो आई थिंक कि आप लोग भी कभी दीव वगैरह आए तो यहाँ का टेस्ट ज़रूर कीजिएगा।